चलिए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी सेलेक्टेड और काम की खबरों को। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज पसंद आती है तो इसे लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों जानते हैं पहली बड़ी खबर, इंटरनेशनल फ्लाइट्स रिज्यूम्ड, 2 साल बाद फिर शुरू होंगी कमर्शियल उड़ानें, केंद्र सरकार ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि 27 मार्च 2022 से एक बार फिर नियमित तौर पर निर्धारित कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर सेवाओं की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत उड़ानें देश से बाहर भी जा सकेंगी और बाहर की उड़ानें देश में भी आ सकेंगी। कोरोना के चलते करीब 2 साल पहले केंद्र ने निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि दोस्तों अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि उड़ानों को फिर से बहाल किया जा रहा है। केंद्र ने अपने इस फैसले में हालांकि यह भी कहा है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया कि हितधारकों से विचार विमर्श के बाद और कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए हमने अंतरराष्ट्रीय यात्रा 27 मार्च से फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसके बाद एयर बबल की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस कदम से यह सेक्टर नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना वायरस को से रोकने के मकसद से 23 मार्च 2020 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निर्धारित कमर्शियल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी थी। इससे पहले 28 फरवरी को DGCA ने कमर्शियल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अगले आदेश तक रोक लगाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन से जेलेंस्की ने दुश्मनों को ललकारा, बोले क्यू में ही हूं, किसी से नहीं डरता। जी हां दोस्तों, रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने दुश्मनों को ललकारा है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन से दुश्मन सेना को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि वे अपने देश के लिए तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि जीत नहीं मिल जाती। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन से खुद वीडियो बनाकर बयान जारी किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जेलेंस्की के पोलैंड भाग जाने की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया था। अब इस वीडियो को जारी कर जेलेंस्की ने खुद इन अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने क्यू में स्थित राष्ट्रपति भवन में टहलते हुए यह वीडियो बनाया है। जेलेंस्की ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि मैं राजधानी क्यू में ही हूं और किसी से नहीं डरता हूं। मैं किसी बंकर में नहीं छिपा हूं और तब तक क्यू में मौजूद रहूंगा जब तक कि देशभक्ति से भरे इस युद्ध को जीतने के लिए यह जरूरी होगा। इस वीडियो से स्पष्ट हो गया है कि जेलेंस्की ने राष्ट्रपति भवन से अपना वीडियो जारी कर रूस और अपनी जनता को संदेश दिया है कि वे जंग से दूर नहीं जाएंगे और क्यू में बने रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव का दावा, वाराणसी में पकड़ी गई ईवीएम, नतीजों से पहले चोरी की साजिश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि सीएम के सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां बीजेपी हारे वहां वहां काउंटिंग स्लो कीजिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज बनारस में ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर भाग गए। अखिलेश उन्होंने कहा कि अगर सरकार वोट की चोरी नहीं कर रही थी तो बताइए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी तो प्रशासन ने सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे सुरक्षा? क्या वजह है कि बिना सुरक्षा इंतजाम के ईवीएम जा रहे थे? इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुमी में फंसे सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे सभी भारतीय छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सभी छात्र वर्तमान में पोल्टावा के रास्ते में हैं, जहां से वे पश्चिम यूक्रेन के लिए ट्रेनों में सवार हो जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक छात्रों को घर पहुंचाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानें तैयार की जा रही है। बागची ने भारतीय छात्रों का एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सुमी में फंसे 694 भारतीय छात्र मंगलवार को पोल्टावा के लिए बसों से रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि बीती रात मैंने नियंत्रण कक्ष से पता किया था 694 छात्र सुमी में थे, आज वे पोल्टावा के लिए बसों से रवाना हो गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस को लगा बड़ा झटका, ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी शेल नहीं खरीदेगी रूसी तेल और प्राकृतिक गैस। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से रूस दुनिया भर के प्रतिबंध झेल रहा है। जहां कई देशों ने उस पर आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए हैं, वहीं दुनिया की बड़ी कंपनियों ने भी रूस के खिलाफ कदम उठाए हैं। अब एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी शेल ने कहा है कि वह रूसी तेल और प्राकृतिक गैस खरीदना बंद कर देगी और रूस में सर्विस स्टेशन भी बंद कर देगी। दोस्तों
दोस्तों सेल रूसी तेल और गैस की सभी खरीद को चरणबद्ध तरीके से बंद करेगी। रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विरोध झेल रही शेल ने कहा कि वह शॉर्ट टर्म मार्केट में कच्चे तेल के सौदों पर तत्काल रोक लगाएगी। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा, हम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि पिछले हफ्ते रूसी कच्चे तेल का कार्गो खरीदने का हमारा फैसला गलत था। यूक्रेन के आक्रमण के बाद से बड़ी संख्या में कंपनियों ने रूस में प्रतिबंधों की घोषणा की, जिसमें एनर्जी सेक्टर की बीपी पीएलसी और एक्सास मोरबिल कॉर्प जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस से तेल की खरीद जारी रखने के लिए शेल की आलोचना की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कराची में मारा गया गांधार, प्लेन हाईजेक में शामिल आतंकी, पहचान छिपाने के लिए बन गया था व्यापारी। जी हां दोस्तों, गांधार प्लेन हाईजेक में शामिल आतंकी जहूर मिस्त्री की पाकिस्तान के कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जहूर अपना नाम बदलकर कराची में व्यापारी बनकर रह रहा था। वह वर्ष 1999 में एयर इंडिया के विमान IC-814 के अपहरण में शामिल था। अंकुद कराची की अख्तर कॉलोनी के अंदर स्थित क्रिनसेंट फर्नीचर का मालिक था। जहूर की तरह पाकिस्तान में कई टॉप आतंकवादियों ने शरण ली हुई है। दोस्तों न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से बताया कि मिस्त्री कई सालों से फर्जी पहचान के तहत कराची में रह रहा था। वह कराची की अख्तर कॉलोनी में फर्नीचर का काम कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई आतंकवादियों ने उसकी अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया। GOTV ने इस खबर की पुष्टि की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब बिना स्मार्टफोन और इंटरनेट के भी कर सकेंगे UPI पेमेंट। RBI ने लॉन्च की जबरदस्त सर्विस। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को एक नई सेवा की शुरुआत की, जिसके जरिए 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन या सामान्य मोबाइल फोन उपभोक्ता सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। जिन लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वे UPI 123 पे नाम से शुरू की गई इस सेवा के जरिए डिजिटल भुगतान कर सकते हैं और यह सेवा साधारण फोन पर काम करेगी। दोस्तों शक्तिकांत दास ने कहा कि अब तक UPI की सेवाएं मुख्य रूप से स्मार्टफोन पर ही उपलब्ध हैं, जिसके चलते समाज के निचले तबके के लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक UPI लेन देन 76 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 41 लाख करोड़ रुपए था। यानी कि दोस्तों अब UPI पेमेंट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास एक कैमरे वाला कलर टच स्मार्टफोन हो। अगर आपके पास पुराने जमाने में चलने वाले नोकिया के कीपैड वाले फोन भी हैं, तो भी आप UPI पे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना दोस्तों, कमाल की यह है स्कीम। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, पी चिदंबरम की भास्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत। गोवा में कांग्रेस नेता के बर्थडे के नाम पर पार्टी ने सभी प्रत्याशियों को होटल में घेरा। चिदंबरम बोले, इस बार नहीं बिकेंगे हमारे विधायक। जी हां दोस्तों, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यह मुहावरा गोवा कांग्रेस पर एकदम फिट बैठ रहा है। जी हां दोस्तों, पिछले चुनाव में 17 सीटें लाने के बावजूद कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी थी, इसलिए इस बार उसने अपने सभी 37 प्रत्याशियों को नतीजे आने से पहले ही 2 होटलों में शिफ्ट कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम ने इस बात का खंडन किया। भास्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे एक लीडर का आज बर्थडे है, जिसे वे होटल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहां सभी कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है, मैं भी सेलिब्रेशन में शामिल होने जा रहा हूं। विधायकों को होटल में बंद करने जैसी कोई बात नहीं है। 2017 में हुई जोड़ तोड़ पर चिदंबरम बोले कि आप पिछली बार की बात मत कीजिए, इस बार हम 100% कॉन्फिडेंट हैं, हमारे किसी भी विधायक को कोई छीन नहीं सकता, हमने जिन भी कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं वे सभी जीतेंगे। गुरुवार को हमारे जीते हुए विधायक अपने नेता का नाम तय करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संजय रावत का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा ईडी अब बीजेपी की ATM मशीन बन गई है। जी हां दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय रावत ने आज मंगलवार को केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने परिवर्तन निदेशालय की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सोमवार को ही ऐलान किया था कि वह आज मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के कारनामों का खुलासा करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही संजय रावत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के अब तक 14 लोगों और पश्चिम बंगाल के 7 लोगों के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। ईडी के कुछ अधिकारी, इसमें से कुछ तो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के तकरीबन 50 उम्मीदवारों का खर्चा भी उठाया है।
इस बारे में हमने प्रधानमंत्री के साथ डिटेल में भी साझा बातचीत की है। ईडी एक्सटोर्शन में जुटा हुआ है और करोड़ों की उगाही कर रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन निदेशालय भाजपा की एटीएम मशीन बन चुका है। दोस्तों, संजय रावत ने कहा कि आज मुंबई में काफी हलचल है, कई जगहों पर शिवसेना नेताओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। ऐसा लगता है कि बीएमसी के चुनाव होने तक इनकम टैक्स विभाग मुंबई के हर वार्ड में इसी तरह से रेड करता रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल ने रूस में आईफोन बेचना कर दिया बंद, इससे कंपनी को एक दिन में 24 करोड़ रुपए का लगेगा नुकसान, लेकिन एप्पल सहन करने को है तैयार। एप्पल का रूस में बिक्री पर 15% का है हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने यूक्रेन और रूस जंग के बीच रूस के मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने से मना कर दिया, जिसकी वजह से आईफोन के सेल्स रेवेन्यू में हर दिन कम से कम 3 मिलियन यानी कि करीब 24 करोड़ रुपए और सालाना 1.14 बिलियन डॉलर करीब 8,769 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। लिथुआनिया स्थित ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल बर्गा के अनुमानों के मुताबिक यह अमाउंट एप्पल का रूसी बाजार में हासिल हिस्सेदारी और कंपनी के 2021 तक बिक्री के रेवेन्यू पर आधारित है। दोस्तों, एप्पल का रूस पर बिकने वाला स्मार्टफोन की बिक्री का 15% हिस्सा है, जो ओवरऑल बिक्री के तीसरे स्थान पर है। दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग 34% के साथ टॉप पर है और शाओमी 26% के साथ तीसरे नंबर पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एग्जिट पोल में बन रही है समाजवादी पार्टी की सरकार, बीजेपी की सीटें हैं चौंकाने वाली। जी हाँ दोस्तों, जाने इस बड़ी खबर को, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है यह खबर। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 7 चरणों की वोटिंग संपन्न होने के बाद अब सबकी निगाहें 10 मार्च के नतीजों पर टिकी है। हालांकि नतीजों से पहले ज्यादातर एजेंसियों के एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी कर दी है। यूपी में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है, मगर यह भविष्यवाणी कितनी सही होगी इसका फैसला 10 मार्च को होगा। फिलहाल 10 मार्च के नतीजों से पहले अनुमानों का सिलसिला जारी है। अब तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनमें ज्यादातर एग्जिट पोल में यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनती दिख रही है, मगर दोस्तों एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी चुनाव को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है, मगर देशबंधु का एग्जिट पोल इसके उलट भविष्यवाणी कर रहा है। देशबंधु के एग्जिट पोल की माने तो यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। एजेंसी देशबंधु के एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो यूपी में भाजपा 150 सीटों के भीतर ही सिमटती दिख रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 200 का आंकड़ा आसानी से पार करती दिख रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, 5 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है खत्म, इसलिए दाम 20 से 25 रुपए तक बढ़ सकते हैं, क्रूड भी $140 पर पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, इसकी बड़ी वजह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का खत्म होना है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों और चुनाव का ट्रेंड बताता है कि मोदी सरकार चुनाव से ठीक पहले कीमतों में बढ़ोतरी से बचती रही है, हालांकि चुनाव खत्म होते ही वह कीमतों को बढ़ाने में देर नहीं करती है। इसी वजह से पेट्रोल डीजल में 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। ट्रेंड यह भी कहता है कि दामों में बढ़ोतरी एक बार में न होकर रोज थोड़ी थोड़ी होगी, यानी कि आज करीब 15 रुपए दाम बढ़ा दिए जाएं और फिर धीरे धीरे कर 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। तेल कंपनियों ने 3 नवंबर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि क्रूड ऑयल $140 प्रति बैरल के भाव पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस अपडेट, सोना 53,500 और चांदी 70,000 के पार पहुंची, 56,000 रुपए तक जा सकता है सोना। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन घमासान से सोना चांदी में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को सोना एक बार फिर 53,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया। दोस्तों MCX पर यह सुबह 11 बजे 53,612 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं दोस्तों सराफा बाजार की बात की जाए तो IBGA यानी कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सोना 1450 रुपए महंगा होकर 53,234 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 70,690 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है। सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में चांदी 69,920 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में चांदी 80,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
शेयर बाजार आखिरी के एक घंटे में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 53,000 रुपए और निफ्टी 16,000 के पार बंद। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में आज कारोबार के आखिरी घंटे में जबरदस्त तेजी रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 581 पॉइंट्स बढ़कर 53,424 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 150 अंकों की बढ़त के साथ 16,013 पर बंद हुआ। इसके अलावा दोस्तों, सेंसेक्स आज 481 अंक नीचे 52,430 पर खुला था। इसने 53,484 का ऊपरी और 52,260 का निचला स्तर बनाया। दोस्तों, गिरने वाले प्रमुख शेयर में SBI, रिलायंस, पावर ग्रिड, टाइटन, नेस्ले और टाटा स्टील रहे। बढ़ने वाले प्रमुख स्टॉक्स में सन फार्मा और TCS 3-3% से ज्यादा तेज रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने कराई घातक प्लेयर की वापसी, श्रीलंका की टीम में फैल गई दहशत। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, भारतीय टीम इस समय रोहित शर्मा की कप्तानी में बहुत ही प्रचंड फॉर्म में चल रही है। माहौली में हुआ पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम ने 222 रन और एक पारी से जीता था। टीम इंडिया बेंगलुरु में होने वाला दूसरा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी, जिसके लिए दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया ने एक घातक खिलाड़ी की वापसी की है। भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो 12 मार्च से बेंगलुरु में शुरू होने वाला है। दोस्तों, चोट के साथ साथ कोरोना से उभरने वाले अक्षर ने स्पिनर कुलदीप यादव की जगह ली, जिन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। इससे पहले टेस्ट के लिए टीम की घोषणा करते हुए BCCI के बयान में उल्लेख किया गया था कि अक्षर की फिटनेस का आकलन के आधार पर दूसरे टेस्ट के लिए चयन किया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अक्षर पटेल ने महज 5 टेस्ट मैचों में 11.86 की औसत से 36 विकेट लिए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड बैंक यूक्रेन को देगा 53 अरब रुपए से अधिक की वित्तीय राशि। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, जहां एक तरफ दुनिया के विभिन्न देश कंपनी और संस्थाओं द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने का सिलसिला जारी है, वहीं यूक्रेन को लेकर लोगों की सहानुभूति बढ़ती जा रही है और यूक्रेन को विभिन्न मदद मुहैया करवाई जा रही है। इसी कड़ी में विश्व बैंक ने यूक्रेन के लिए $723 मिलियन यानी कि 54 अरब रुपए से अधिक के वित्तीय पैकेज को मंजूरी देने की घोषणा की है। दोस्तों, अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में वैश्विक ऋणदाता ने कहा कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने यूक्रेन के लिए एक पूरक बजट सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। बयान के अनुसार, बोर्ड द्वारा अनुमोदित पैकेज में $350 मिलियन के लिए एक पूरक ऋण और $139 मिलियन की गारंटी शामिल है। यह $134 मिलियन का अनुदान वित्त पोषण और $100 मिलियन के समानांतर वित्त पोषण को भी जुटा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप $723 मिलियन का कुल जुटाया गया समर्थन है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नशे की चपेट में कश्मीरी युवा, आतंकवाद की राह छोड़ पकड़ी नशे की लत, सीमा पार से सप्लाई होती है ड्रग्स। जी हां दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को हटा दिया था। सरकार का मानना है कि यह आतंकवाद को रोकने का एक प्रयास है। इसका परिणाम भी देखने को मिला, पिछले 3 सालों में घाटी में आतंकवाद की मूवमेंट और पथराव की घटनाएं कम हुई है। युवा इस दलदल से निकलकर नई सोच की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ युवा अब नशे की राह पर चल पड़े हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए एक तिहाई आरोपी ड्रग के मामले से जुड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार, जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद 4,532 विचाराधीन कैदियों में से लगभग 1,500 कैदी नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों में शामिल है। इनमें करीब 900 आरोपियों की उम्र 35 साल से कम है। दोस्तों, ज्यादातर आरोपी दक्षिण कश्मीर के रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पेट्रोल और CNG पंपों पर लगी लंबी लाइनें, रेट बढ़ने के डर से लोग फुल करवा रहे टंकी, मंगलवार को दाम न बढ़ने से लोगों ने ली राहत की सांस। जी हां दोस्तों, यूपी में मतदान खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इसी के अंदेशों के चलते मंगलवार को सुबह से पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है, लोग टंकी फुल करवा रहे हैं। सभी का यही कहना है कि पता नहीं कब रेट बढ़ जाए, इसलिए फुल करवा लें, कुछ पैसे ही सही बचत तो होगी। वहीं CNG पंपों पर गैस न होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, सोमवार को 7वें चरण के मतदान के बाद रात से ही लोग टंकी फुल करवाने में लगे हुए हैं। मंगलवार को सुबह से ही वाहनों की भीड़ लगी रही। हालांकि रेट में परिवर्तन न होने पर पंपों पर जल्द ही भीड़ कम हो गई। सोमवार की रात डीजल की किल्लत रही, लेकिन सुबह स्थिति सामान्य हो गई। मंगलवार की सुबह पंपों पर पेट्रोल 94.98 रुपए प्रति लीटर था तथा डीजल 86.52 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा का शेड्यूल जारी, यहां चेक कर सकते हैं पूरा कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव के नतीजों से पहले यूपी बोर्ड एग्जाम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा के शेड्यूल का इंतजार कर रहे लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार अब खत्म हो गया है। बोर्ड परीक्षा 2022 यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है। दोस्तों यूपी बोर्ड द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 24 मार्च 2022 से शुरू होंगी और 12 अप्रैल 2022 तक जारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर विनय पांडे ने 10वीं 12वीं के परीक्षा कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। टाइम टेबल के मुताबिक हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होंगी और 12 अप्रैल तक चलेंगी। दोस्तों हाई स्कूल की परीक्षा 12 कार्य दिवस और इंटर की परीक्षा 15 कार्य दिवस में पूरी होंगी। दोस्तों अगर आप अपना टाइम टेबल डाउनलोड करना चाहते हैं तो ubmsp.edu.in पर जाकर अपना ऑफिशियल टाइम टेबल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपके जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत।